लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। बिहार के बेगूसराय सीट पर भी इस बार दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां से जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी से चर्चा में आए सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से है। कन्हैया लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन इन सबके बीच ग्रामीण इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि कन्हैया की परेशानी बढ़ाने वाली हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें कन्हैया कुमार का फूल मालाओं के साथ स्वागत करने वाले लोग ही पीएम मोदी को वोट देने की बात कर रहे हैं। बेगूसराय के कासिमपुर गांव के लोग वीडियो में खुद कह रहे हैं कि उन लोगों ने थोड़ी देर पहले कन्हैया कुमार का फूल मालाओं से स्वागत किया, लेकिन वोट तो वो मोदी को ही देंगे। गांव वालों से जब पूछा गया कि अभी तो आप लोगों ने कन्हैया कुमार का स्वागत किया है तो फिर उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे, तो इसके जवाब में गांव वालों ने कहा कि गांव में कोई भी आएगा तो उसका स्वागत ही किया जाएगा, लेकिन वोट देश के नाम पर मोदी को ही मिलेगा। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर हैं। आप भी देखिए इस वीडियो को। कन्हैया जी का पर्सनल तो बेगूसराय में वर्चस्व बना है, लेकिन देश में तो मोदी का ही सरकार। स्वागत तो सब गांव में कोई भी आएगा तो किसी का भी स्वागत होना चाहिए। कन्हैया जी का तो अभी भी मैं स्वागत कर रहा हूँ बेगूसराय से। बेगूसराय से हैं तो बेगूसराय स्वागत करेंगे। जानकार बताते हैं कि बेगूसराय में भले ही कन्हैया कुमार मुकाबले में अभी दिख रहे हों, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह का मुख्य मुकाबला आरजेडी के तनवीर हसन से ही होगा। पिछले चुनाव में भी तनवीर हसन दूसरे नंबर पर रहे थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो बेगूसराय में कन्हैया और आरजेडी के अलग उम्मीदवार होने के कारण बीजेपी विरोधी वोट बैंक जरूर बटेगा और इसका सीधा फायदा गिरिराज सिंह को मिलेगा। पूर्वांचल के ऐसे ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।